आज दोस्तों जो मैं आपको स्मार्टफोन बता रहा हूँ, आपने इसका नाम नहीं सुना होगा। अगर आपने सुना है तो हमें कमेंट में बताना। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ आईक्यू के बारे में। आईक्यू ने अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है, इसका नाम है IQ3। ये स्मार्टफोन दोस्तों 5G स्मार्टफोन है। तो सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा दोस्तों इसका डिज़ाइन और लुक वाइज कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। बैक में यहाँ पे आपको 4 कैमरे रेक्टेंगल में दिए गए हैं और साथ ही साथ ब्लैक ब्लू शेड में कलर आता है इसका। और हाँ दोस्तों, नीचे आपको IQ की ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाती है और इसका बैक दोस्तों कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोडक्शन के साथ आता है। अब बात करें दोस्तों IQ है ये किस कंपनी का ब्रांड है, तो मैं आपको बता दूं ये IQ वीवो की कंपनी का ब्रांड है। जैसे दोस्तों आपको पता है Xiaomi का ब्रांड सब ब्रांड बन गया पोको, वैसे ही सेम दोस्तों वीवो का सब ब्रांड बन गया IQ। अब आपको IQ की तरफ से और भी नए नए स्मार्टफोन आपको फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको IQ3 के बारे में सब कुछ बता रहा हूं। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और देखिए वीवो के सब ब्रांड ने IQ में क्या क्या अंतर डाला है और कितनी कितनी अच्छी चीजें आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलती है, सब कुछ दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे बासु टेक चैनल पे। जी फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा डिजाइन और लुक वाइज, वहीं बात करें इसकी डिस्प्ले की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहां पे आपको 6.44 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। ये डिस्प्ले आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलती है, जहां पे आपको राइट में टॉप पर ही कैमरा भी देखने को मिल जाता है फ्रंट वाला। और हां दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये डिस्प्ले 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट डिस्प्ले के साथ आती है और यहां पे आपको फ्रंट में भी आपको ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। बात करें सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी के लिए यहां पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है और साथ ही साथ फेस अनलॉक का ऑप्शन भी दिया गया है। दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको 3 वेरिएंट में देखने को मिलेगा, 8GB 128GB स्टोरेज के साथ आएगा और 8GB 256GB स्टोरेज के साथ आएगा। इसका हाई वेरिएंट 12GB 256GB स्टोरेज के साथ आएगा। और हां दोस्तों, मैं आपको बता दूं यहां पे आपको मिनी सिम ट्रे दी जाएगी, जहां पे आप अपनी छोटी छोटी दो सिम लगा पाएंगे। वैसे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत में Realme X50 Pro जो कि 5G स्मार्टफोन है पहले से ही लॉन्च कर दिया गया है, उस पर हमने दोस्तों कंप्लीटली एक डिटेल्स में वीडियो बनाई है। अगर आपने दोस्तों अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन उसका लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा दोस्तों। और वो भी स्मार्टफोन 5G स्मार्टफोन है और ये भी स्मार्टफोन 5G स्मार्टफोन है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो जाकर के उस वीडियो को चेक कर लेना। व्हाट अबाउट अ कैमरा, कैमरे के बारे में क्या, तो जैसा कि मैं आपको बता दूं दोस्तों बैक में 4 कैमरे देखने को मिल रहा है, 48 मेगापिक्सल का इसका रियर सेंसर देखने को मिल जाता है, 13 मेगापिक्सल का यहां पे आपको टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है और 13 मेगापिक्सल का अगेन आपको यहां पे अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिल जाता है, 2 मेगापिक्सल का यहां पे आपको डेप्थ सेंसिंग देखने को मिल जाता है। दोस्तों बैक के कैमरे अच्छे हैं क्योंकि फोटो काफी ज्यादा अच्छे आ रहे हैं, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। वही बात करें दोस्तों फ्रंट कैमरे की, तो फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है। चलो दोस्तों बात करेंगे यहां पे इसकी बैटरी के बारे में। जैसा कि आपको पता है सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, तो यहां पे आपको बैटरी 4440 एमएएच की देखने को मिल जाती है और ये बैटरी मैं आपको बता दूं 5 वाट के फास्ट चार्जर के साथ आती है। कंपनी का क्लेम है कि आपका 15 मिनट में मोबाइल 50% से भी ज्यादा चार्ज हो जाएगा दोस्तों। और हां दोस्तों, मैं आपको बता दूं यहां पे आपको टाइप सी पोर्ट आपको देखने को मिलेगा, 3.5mm ऑडियो जैक भी देखने को मिल जाता है। अब टाइप सी पोर्ट के बारे में बात करें दोस्तों, तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे इन्होंने कुछ नया डिजाइन दिया है। यहां पे आपको पिल में मतलब कैप्सूल टाइप में यहां पे आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिल रहा है। इसका फायदा क्या दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी आप गेमिंग करते हैं चार्ज के साथ तो आपको इजी टू होल्ड रहेगा, आप आसानी से इसको पकड़ पाएंगे। ये मोबाइल चला रहे हैं और साथ ही साथ आपका ये मोबाइल चार्ज हो रहा है, तो वहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है क्योंकि कैप्सूल सिम में दिया गया, तो आपके हाथ की ग्रिप अच्छी तरीके से बन जाती है। इसके लिए दोस्तों मैं IQ को एक बड़ा सा थम्सअप देना चाहूँगा। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को बड़ा सा थम्सअप नहीं दिया तो थम्सअप दो, क्योंकि ये वाकई में काबिले तारीफ है। अब दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे इसके प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पे आपको प्रोसेसर वो टॉप लेवल का मिलता है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है, विच इज अ 5G प्रोसेसर, और यही प्रोसेसर आपको Realme X50 Pro में भी देखने को मिला है। मतलब आप यहाँ पे गेमिंग कितनी भी ज्यादा हैवी करते हैं, HDR में खेलते हो, कुछ भी करते हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं, आपके फोन में कोई भी हैंगिंग की या लैकिंग की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। दोस्तों इसका अंतत स्कोर मैं आपको बता दूं 5 लाख से भी ऊपर आता है, क्योंकि 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, तो मतलब प्रोसेसर के बारे में। अब दोस्तों जैसा कि आपको बताया कि सारी चीज़ें अच्छी होती हैं स्मार्टफोन में, सबसे ज़्यादा अच्छा बनाता है उसका प्राइस। जी फ्रेंड्स, इसके प्राइस के बारे में बात करें तो 8GB 128GB वाले की कीमत रखी है वो 36,999 है, वही 8GB 256GB वाले की कीमत रखी है वो 39,999 है, वही इसका हाई वेरिएंट 12GB 256GB वाली कीमत रखी है वो 44,999। मतलब आपको 45,000 रुपये पे करने पड़ेंगे अगर आप इसका टॉप मॉडल खरीदना चाहते हैं तो। लॉन्च डेट मैं आपको बता दूँ 4th मार्च से इसकी सेल होना स्टार्ट हो जाएगी फ्लिपकार्ट पर। अगर आपको ये स्मार्टफोन पसंद आता है तो वहां से जाकर के इसको परचेज कर सकते हैं। वैसे दोस्तों जाने से पहले
आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, वीवो का ये आई क्यू कैसा लगा है आपको कमेंट में बताएं। दोस्तों अगर मैं आपको अपने ओपिनियन की बताऊँ तो वाकई में दोस्तों ये स्मार्टफोन अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको सारी चीज़ें अच्छी देखने को मिलती है। मैं इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं ढूंढ पाया हूँ जो मैं आपको बता सकूँ कि इसमें अच्छा नहीं है। हाँ, एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका प्राइस थोड़ा सा महंगा है, लेकिन महंगा नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये 5G स्मार्टफोन है तो ऑब्वियसली महंगा तो होगा ही होगा। चलो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको वीवो के सब ब्रांड आई क्यू की सारी जानकारी मिल गई होगी। तो सब्सक्राइब करो, बेल वाले आइकन को हिट करो। हाँ दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि लोगों को पता सके चल सके कि वीवो का सब ब्रांड आई क्यू आया जो कि 5G स्मार्टफोन है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मैं मिलूंगा आपको नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।